बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियन। मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। ये हफ़्ता कैसा रहेगा प्रोग्राम, जो 2 मई से 7 मई के दरमियान क्या होने जा रहा है, और ये कंटिन्यूटी होगी जो हफ़्ता इतवार आपने थोड़ा सा टफ टाइम गुजारा, इसके बारे में मैंने जो महीने की प्रडिक्शन और हफ्ते की प्रडिक्शन की, जिसमें मुझे बड़े लोगों के मैसेज आए कि आपने बहुत हमें डराया, आपने बहुत हमें स्केट किया, और ये वो स्केट वाली बात नहीं है। मुल्क के हालात जिस तरह चल रहे हैं, जिस तरह सियासतदान आप लोगों के साथ आपको मोटिवेट करके, आपकी चार्ज करके, आपको सड़कों पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपका अपना नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं। आपके सड़कों पे आ जाना या आपके लड़ाई झगड़ा, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें आपको तो कोई फ़ायदा नहीं देंगे, बजाय के रिश्ते ख़त्म होंगे, दोस्ती ख़त्म होगी, यारी दोस्ती ख़त्म होगी। इस वक्त काफ़ी आपस में लोगों का बहुत ज़्यादा बहस मासा चल रहा है। वही मैंने बताया कि ये जो 20 मई तक ये हालात इसी तरह ही ये बढ़ते जाएंगे और काफ़ी हीट बढ़ेगी इन चीज़ों से, इसलिए सैजिटेरियन स्टार्ट आपका छठे घर से हो रहा है, छठे का लॉर्ड चौथे घर में बैठा है, तो वही जो पिछले 2 दिनों में हुआ वो उसकी कंटिन्यूटी रहेगी। थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर आपके ऊपर आएगा, कोई ना कोई घर का काम, कोई ना कोई प्रेशर, घर की रेनोवेशन या कोई पैसे खर्च अपनी वालदा को देंगे, कोई जायदाद पे खर्च करेंगे, और कोई ना कोई घर की इम्प्रूवमेंट पे रहेंगे, जिससे आप कहेंगे ईद आ गई फटाफट ये ख़त्म हो जाए काम, आपके ऊपर प्रेशर भी रहेगा और कोई ना कोई आप अपने आप को प्रेशर में रखेंगे, जिससे टेंशन एनजाइटी में रहेंगे। लेकिन इससे टेम्परेरी वो 2 दिन आपके गुजर के 12 बजे के बाद ये भी प्रेशर आपका ख़त्म हो जाएगा, और फिर आपका बड़ा अच्छा छठा घर है। थोड़ा सा फेजेस तो होंगे, लेकिन यहाँ पे अंकल आंट चचा चची के साथ भी, दोस्तों के साथ भी, वर्कर्स के साथ, अपने ऑफिस वालों के साथ भी, बॉस के साथ भी आपकी हेलो हाय रहेगी, ईद मुबारक के मैसेजेस चलेंगे। चांद रात आपकी थोड़ी सी टफ़ गुजरेगी, कोशिश कीजिएगा रश में बाहर ना निकलिएगा, ताकि कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट या सिकनेस या एक्सीडेंट ऑब्स्टेकल्स ना कोई आ जाए। बट जैसे ही आपका 3 और 4 दिन आता तारीख, तो 7वें में आ जाता है मरकरी, और मून और मरकरी आपके 7वें घर में होगा, और 7वें का लॉर्ड 7वें में मरकरी होगा। एकदम सिनेरियो जैसे कहते हैं ना, ठंड प्रोग्राम, गर्मी से निकल के एकदम जैसे बंदा एसी वाले कमरे में आ जाता है और बंदे का बाहर भी पसीना निकल रहा होता है, वो एकदम आपको सुकून सा मिलना शुरू रहता है, तो ऐसे लगेगा जैसे सुकून आ गया और एक अच्छी ज़िंदगी, ठंड वाली ज़िंदगी, एक प्रॉपर आपकी ज़िंदगी का ये दिन शुरू होगा। यहाँ पे आपका आपका जो स्पाउस है वो आपके साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन करेगा, 2-3 दिन टेंशन में कहेगा नहीं आप बैठे, मैं आपके लिए खाना पीना जो भी आपका ख्याल करना, आपको जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे जो भी सुकून पहुँचाने की कोशिश करेगा वो आपका पार्टनर करेगा, आपको बहुत ही अच्छा आपको सुख देने की कोशिश करेगा। इन केस अगर इफ़ यू आर इन लव, सच्ची मोहब्बत में, तो आपका जो स्पाउस है या आपका जो पार्टनर, वो आपको बहुत ही पैम्पर करेगा, आपके साथ गपशप लगाएगा। ये 2 दिन आपकी उसके साथ मुलाकात भी हो जाएगी, कोई होगी या कोई शादी ब्याह तय हो जाएगी आपके उसके साथ, और मोहब्बत की शादी, ये जो इस किस्म की जो शादी होती है बड़ी कामयाब, 7वें का लॉर्ड जब 7वें में होता है तो कोई मोहब्बत की शादी बड़ी कामयाब गुजरती है, और मियाँ बीवी में आपके ना आपस में बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग होगी, और एक दूसरे को आप एक ही नज़र से, इशारों से उसका आप व्यू पॉइंट्स जान लेंगे, वो आपका पॉइंट्स जान लेंगे, एक अच्छी एक कम्बिनेशन बनेगा, एक अच्छी केमिस्ट्री आपके आपके स्पाउस के साथ चलेगी। अच्छा, यहाँ पे वो लोग जिनकी कारोबार है, शेयर्ड कारोबार जिसे कहते हैं, मिल के बिज़नेस करते हैं, वो कोई उनके आपके पार्टनर के साथ उनकी बड़ी अच्छी मीटिंग होगी, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, कोई डिस्कशन होगी प्रोजेक्ट की, कोई ट्रेड में आपका एकदम क्या कहते हैं बूस्ट मिल जाएगा, कोई जैकपॉट लग जाएगा। यहाँ पे आपको एडवांटेजेस आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे और भी एक एडवांटेज है, 7वां घर ट्रैवलिंग भी करता है, कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, कोई टिकट आ जाएगी, कोई आपको कोई ना कोई आपको कहेगा चले मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं अपनी गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ, या मैं आपको
टिकटें दे देता हूँ, तो यहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप मिलती हुई भी नज़र आती है और आपकी सेक्सुअल डिज़ायर भी पूरी हो जाएंगी और यहाँ पे दूसरों की टिकट पे आप सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। रिलेशन विद पब्लिक बहुत अच्छे होंगे, अवाम के जाएंगे तो अवाम के साथ आपके तल्लक बड़े अच्छे हैं इफ़ यू आर पॉलिटिशियन। और लिटिगेशन या रिकवरी फ्रॉम लॉ, कोई ना कोई गुमी हुई चीज़ आपको मिल जानी चाहिए। इन इन केस इफ़ यू आर लिविंग अब्रॉड तो आपको वहाँ पे भी बड़ी रिस्पेक्ट इज्जत मिलेगी। मैरिज कंपेटिबिलिटी आप लोगों की बहुत अच्छी होगी, जनरल हैप्पीनेस होगी, फॉरेन अफेयर्स में आपको काफ़ी बेहतरी मिल जाएगी। यहाँ पे आपका कोई आपको कोई ईमेल आ जाएगी जिस पे आपका कोई वीज़ा या आपकी नेशनलिटी के बारे में कोई ना अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। यहाँ पे अपने अपने दिमाग की रोशनी में, अपने इंटेलेक्चुअल की रोशनी में, अपने आईक्यू के लेवल पे अपने बिजनेस को, अपने काम को उठाने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत ही ये दो दिन आपको ईद के दिन ये दो दिन आपके बहुत अच्छे होंगे। मियाँ बीवी खुद ट्रैवलिंग करेंगे, मियाँ बीवी के यहाँ भी मिलेंगे, खुद साथ मिलेंगे, घर का माहौल एक मसाली माहौल होगा और बहुत रोमांटिक किस्म का माहौल होगा। आगे चलते हैं 5, 5, 6, 7 में लॉर्ड 8वें में, तो यहाँ पे भी आपको बहुत एडवांटेजेस हैं। जब 8वें का लॉर्ड 8वें में और वो भी मून टिक के एक जगह पे नहीं बैठेंगे, बड़े पॉजिटिव फेसेस होंगे, लेकिन क्योंकि 8वां घर है फिर भी थोड़े बहुत मूड स्विंग तो आपके लेंगे। कोई ना कोई आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, आपके सेहत अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, कोई प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। पानी वाली जगह पे सफ़र करते नज़र आ रहे हैं। आपका कोई ना कोई कह लें कि कर्ज़ा उतर जाएगा, कोई कर्ज़े वाले आपको आपका या कर्ज़ा लोन सेंक्शन हो जाएगा आपको। यानी कि 8वें घर में आपके जो एडवांटेजेस हैं, आपको स्पाउस की तरफ से आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, कुछ पैसे आएंगे स्पाउस की तरफ से जिससे आप बहुत ही फ़ायदा करेंगे। अच्छा, कोई अगर आप मूड स्विंग आपका कोई ख़राब नहीं होगा, किसी किस्म की डिस्ग्रेस डिग्रेडेशन नहीं होगी। 8वां घर आपको पता है इन चीज़ों का, डिले नहीं होगा, मिस्टिटिज़म में आपका इंटरेस्ट रहेगा, मख्फी उलूम में आपकी दिलचस्पी रहेगी। जो मेरे प्रोग्राम आप बड़े गौर से सुनेंगे, अपना हफ्ता कैसा रहेगा ये सुनेंगे, खुद भी सीखने की कोशिश करेंगे। ट्रैवलिंग आपकी, मुझे तो फॉरेन ट्रैवलिंग नज़र आती है, जो बंदा बाहर का वीज़ा लेने के लिए या बाहर की नेशनलिटी लेने के लिए बंदे को कुछ वक्त बाहर गुजारना होता है, वो ट्रैवलिंग भी होती हुई नज़र आ रही है। कोई हिडन वेल्थ आ जाएगी, कोई लेगेसी में इजाफा हो जाएगा। यहाँ पे विरासती जायदाद के फैसले आपके हक में हो जाएंगे, आपको अपनी विरासती जायदाद जो वालदा की तरफ से आनी है वो भी आपको एडवांटेजेस मिल जाएगा, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, वालदा की तरफ से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और ये आपके स्पाउस का अर्निंग एंड भी है, अर्निंग हाउस भी है। अच्छा, कोई अच्छा गिफ्ट मिलेगा आपको और काफ़ी बेहतर गिफ्ट होगा, वो वाला गिफ्ट नहीं होगा तोशे खाने वाला गिफ्ट नहीं, दूसरा गिफ्ट है जो आपको काफ़ी एडवांटेजेस दे देगा, इन शेप ऑफ जायदाद, इन शेप ऑफ ये चीज़ें। यहाँ पे मून क्योंकि चेंजेस दो ये तीन दिन आपके ना तेज़ी से गुजरेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, फिर कहेंगे खुशी में ये टाइम सारा गुजर गया। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लूँगा, अजान के बाद फिर आपसे बात करता हूँ। यहाँ अजान का वक्फा था इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिस्टर्बेंस फील होगी। मैं बात कर रहा था 5, 6, 7 तो यहाँ पे ट्रैवलिंग और ये बात कर रहा था कि ये ओवरऑल आपको थोड़ा सा मूड स्विंग में थोड़ी सी चेंजेस तो होंगी, लेकिन ओवरऑल आपका ये दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। बस एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि कोई किसी किस्म की सियासत डिस्कशन या बाहर निकल के किसी के साथ उलझना नहीं किसी के साथ, क्योंकि ये 20 मई तक पूरे मुल्क के हालात ही डिस्टर्ब रहेंगे सियासी तौर पे, इसलिए बेहतर है कि आपने आपको नॉर्मल मोड में रखिएगा। किसी किस्म का आपने मैच नहीं किसी से डालना, रिश्ते नहीं गनवाने, दोस्त नहीं गनवाने, ताकि ये ना हो कि ये इनसे आपकी दूरी हो जाए, क्योंकि लोग बहुत ही चार्ज हुए हुए सॉरी, मुझे भी किसी ने याद किया लगता है कि क्योंकि पिछले हफ्ते में ड्राया बहुत था। तो सेजिटेरियन और भट्टी साहब आपको भी ईद मुबारक, जितने सेजिटेरियन हैं मेरे और भी जानने वाले हैं स्पेशल, समझ गए होंगे लोग, काफ़ी मेरे साथ रबते में रहते मेरे मेरे दोस्त काफ़ी हैं, इन सब को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक हो, सब सेजिटेरियन को। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।